गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही अच्छी स्कीम की अनाउंस कर दी गई है, जिस स्कीम का नाम है चीफ मिनिस्टर COVID-19 विडो सपोर्ट स्कीम। इस स्कीम में पूरा आपको 2.5 लाख रुपीस का यहाँ पर सपोर्ट दिया जाएगा, जो कि वन टाइम सपोर्ट होगा। ठीक है दोस्तों, इस स्कीम के बारे में आज मैं फुल डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ, क्या है ये स्कीम, कौन इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसे अप्लाई कैसे करना है और इसकी जो बेनिफिट है उसे कैसे उठा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बता दूं कि ये जो स्कीम है क्या है। दोस्तों ये जो स्कीम है ये COVID-19 से रिलेटेड है। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि COVID-19 के दौरान हम बहुत सारे अपने लोगों को खो चुके हैं। ऐसे में ऐसे बहुत सारे फैमिली है जिनके घर में सिर्फ कमाने वाले एक पर्सन होते हैं और उनके घर में काम करने वाला और कोई पर्सन नहीं होता है। इस चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये स्कीम निकाला है कि अगर COVID-19 के दौरान घर में किसी जो मेन पर्सन है उनका डेथ हो जाता है तो इस दौरान उनकी जो पत्नी होती है, जो विधवा होती है, उन्हें ये स्कीम का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट ने ये स्कीम सिर्फ उन विधवा औरत के लिए बनाया है जिनका हस्बैंड COVID-19 के दौरान गुजर चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस स्कीम का लाभ सिर्फ उन औरतों को दिया जाएगा जिनका हस्बैंड का देहांत COVID-19 के दौरान हो गया, और इस स्कीम में आपको बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ पर पूरे 2.5 लाख रुपीस का। जी हाँ दोस्तों, और ये जो रुपीस आपको मिलेगा 2.5 लाख, ये वन टाइम सपोर्ट होगा, ये वन टाइम सपोर्ट आपको दिया जाएगा। तो मैं बता देता हूँ कि इसे लेना कैसे है, इसके लिए क्या करना होगा, आपको सब कुछ डिटेल्स में आपको बता दूंगा। उसके लिए वीडियो आप फुल वॉच कीजिए और चैनल में नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर। सब्सक्राइब मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको करने के लिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कभी भी किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए पीछे रहें। ठीक है, सभी इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहने के लिए आप रिक्वायर्ड कोड को अभी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पर जाकर ऑल कर दे, ताकि जैसे ही कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है मैं आप तक बता सकूँ और आप तक पहुंच सके। इसलिए सब्सक्राइब करने के लिए कह रहा हूं और बेल आइकन बजाना बिल्कुल ना भूलिए, उसे अल कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इस स्कीम में आपको पूरे 2.5 लाख रुपीस का यहां पर सपोर्ट दिया जाएगा और जो कि वन टाइम सपोर्ट होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर हम बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसकी जो लिमिटेशन है इनकम की वो क्या होने वाली है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं विस्तार से। इस स्कीम का लाभ सिर्फ उन्हें दिया जाएगा जिनका हस्बैंड COVID-19 के दौरान गुजर चुके हैं और इस दौरान उनके पास सर्टिफिकेट होना पड़ेगा स्टेट लेवल कोविड डेट ऑडिट बोर्ड के तरफ से। ठीक है, और इसमें जो इनकम की लिमिटेशन दी गई है, इसमें यहाँ पर बेनिफिशियरी का जो एनुअल इनकम होता है, फैमिली इनकम, वो 5 लाख से कम होना पड़ेगा या 5 लाख तक होने से चल जाएगा। ठीक है, और जो गवर्नमेंट सर्विस करते हैं वो इन स्कीम का लाभ नहीं उठा पाएंगे। स्कीम का लाभ वो लोग भी उठा पाएंगे जिन्हें विडो पेंशन मिलता है, जिसे अरुणोदय मिलता है, अरुणोदय स्कीम का पैसा मिलता है, वो भी इस जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि स्कीम क्या है और इसके लाभ कैसे उठाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां आप चेक कर सकते हैं। अरुणोदय के बारे में भी फुल डिटेल्स में मैंने बताया हुआ है और इसके जो सेकंड फॉर्म फिलअप कब होने वाला है उसके लिए भी मैंने यहां पर वीडियो बना रखा है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इस स्कीम की लाभ आपको कैसे उठाना है। ठीक है, जो स्कीम है ये डिप्टी कमिश्नर जो NHFM डाटाबेस से यहां पर जो फाइनल लिस्ट निकलती है उस लिस्ट से यहां पर आपकी वेरिफिकेशन होने के बाद आपको इस क्राइटेरिया में आप है या नहीं उसकी वेरिफिकेशन होने के बाद ये जो पैसा है आपके अकाउंट में दे दिया जाएगा। अगर आप इस लिस्ट पे नहीं आ गए तो इसे आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो देखिए अप्लाई कैसे करना है, आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर जरूरत होने वाली है वो भी मैं आपको बता देने वाला हूँ। अगर आपके लिस्ट में नाम नहीं आता है आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, तो देखिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर जो आपकी सर्टिफिकेट आपकी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जाकर, जो भी मैंने यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बताया, जैसे कि आपका फैमिली इनकम जो है वो 5 लाख तक होना चाहिए, आपके जो हस्बैंड की जो डेथ हुआ है वो COVID-19 में ही होना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो आप गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होना पड़ेगा, आपको यहाँ पर गवर्नमेंट अगर सर्विस करते हैं तो ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो इन सारे के आपको सर्टिफिकेट जो है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में यहाँ पर देना है और आपको यहाँ पर बैंक डिटेल्स देना होगा, लाइक आपके अकाउंट नंबर, बैंक नेम, ब्रांच नेम एंड IFSC कोड भी यहाँ पर आपको देना होगा। और इन सारी चीज़ों को आप ले जाकर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जा सकते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं और उसके बाद ये जो अमाउंट है ये आपके अकाउंट में दे दिया जाएगा। तो इस स्कीम की बारे में आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। ठीक है, और ये मैं बता दूं कि ये जो स्कीम है ये अभी सिर्फ असम में हुआ है, यानी कि ये असम में, और इसमें और एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको असम का परमानेंट निवासी होना पड़ेगा तभी आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि और भी मज़ा और इंटरेस्टिंग होने वाला है। टिल देन गुड बाय।